हेलो दोस्तों, मेरा नमस्कार। आशा मुंडारी रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बटर मशरूम की रेसिपी बताऊंगी दोस्तों। तो आजकल बाजार में बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो चले हम इसे बनाने के लिए। ये 2 डब्बा मशरूम डब्बों में मिलता है दोस्तों, उसे मैं लाई हूँ। 2 डब्बा मशरूम है ये, 200 ग्राम का एक रहता है डब्बा, तो ये 400 ग्राम है। तो इसे हम कैसे साफ़ करेंगे, तो इसे हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे दोस्तों। मैं दिखाती हूँ, ये छत्ता की तरह रहता है ना, इसके किनारे में जो, उसको मैं ऐसे ले करके किनारे से ऐसे ऐसे चाकू की सहायता से निकालूंगी दोस्तों, चाकू की सहायता से पूरा साफ़, इस तरह से साफ़ हो जाएगा। फिर इसे हम चाकू की सहायता से ही पूरा इस तरह से साफ हो गया है मशरूम। आप देख सकते हैं सारा मशरूम इसी तरह से साफ हो गया है। अब इसको हम साफ पानी में धो लेंगे। इसे हम काटेंगे। हम इसको इस तरह से 4 टुकड़ा में काटेंगे। ज़्यादा छोटा मशरूम है तो इसको हम 2 ही टुकड़ा करेंगे इस तरह से। आपको जैसा अच्छा लगेगा आप उस तरह से काट सकते हैं इसको। इस तरह से हम सारा मशरूम काट लिए हैं 4 टुकड़ों में। अब हम इसको बनाने के लिए किस मसाला सब का प्रयोग करेंगे वो हम आप लोग को दिखला रहे हैं। ये अदरक है, ये छोटा छोटा टुकड़ा में काट ले रहे हैं हम। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 15-16 लहसुन कली है, लहसुन का कली है, 1 बड़ा सा प्याज है, 2 हरी मिर्च ली हूँ, ये तेज पत्ता है। मैं इसमें डालने के लिए मिक्स मसाला का प्रयोग करूंगी। तो अभी मैं पहले मसाला पीस लेती हूँ। ये लहसुन और अदरक और 1 हरी मिर्च, इसे हम पीस लेते हैं। इसमें अभी पानी नहीं डाले थे, इस तरह से पिस गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके फाइनली इसका पेस्ट तय बना लेंगे। इस तरह से मसाला पीस के रेडी हो गया है। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दे रहे हैं। प्याज को हम, इस तरह से बड़ा प्याज है इसीलिए हम इस तरह से काटेंगे प्याज को। हरा मिर्च को भी काट लेंगे। पैन गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 4 बड़ा सरसों का तेल। चम्मच से डालेंगे, हम अपने अंदाज से डाल रहे हैं, आप चम्मच से डाल लीजिएगा। चारों तरफ हम इसको फैला लेंगे तेल को अच्छे से। तेल गरम हुआ है कि नहीं हम इसमें एक प्याज डाल के देखेंगे। तेल गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे मिर्च, 1 कटा हुआ हरी मिर्च डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार आप मिर्च डालिएगा। तीखा ज़्यादा आपको अच्छा पसंद आता है तो आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज हम तेज आंच में भूनेंगे, गोल्डन होने तक भूनेंगे हम। अच्छे से प्याज को भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मशरूम का। हम तेज पत्ता डालेंगे। एक मिनट भूनने से गोल्डन प्याज हो जाता है, अच्छे से भुना जाता है। अब हम इसमें सारा मशरूम डाल देंगे। थोड़ा धीमा आंच करके हम अच्छे से इसको चला लेंगे।
इस तरह से मशरूम को हम कम से कम 10 मिनट तक भूनेंगे, मीडियम आंच में हम भूनेंगे ताकि मशरूम अच्छे से भूने। तेज आंच करेंगे तो अच्छा से नहीं भून पाएगा, इसीलिए हम इसको मीडियम आंच में भूनेंगे। हम ढक ढक करके भूनेंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते भी रहेंगे। मशरूम से पानी रिलीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप अभी थोड़ा आंच को तेज कर लीजिए। अच्छे से उलट पलट करके हम मशरूम को भूनेंगे। अब मशरूम बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। कभी भी आप मशरूम बनाइएगा, बिल्कुल फ्रेश मशरूम लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप लोग को इस तरह से बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ। मशरूम भूनते हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए। हम नमक डाल देंगे। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। मिक्स मसाला डालेंगे हम, 4 चम्मच मिक्स मसाला डाल रहे। आधा चम्मच हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे। मसाला डालते समय आप आंच धीमा कर लीजिएगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, सारी मिर्च इसको हम डाल देंगे। सारा जार को धो करके हम सारा पानी इसी के अंदर डाल देंगे। अब डालेंगे हम गरम मसाला, कटा हुआ टमाटर है 2, मीडियम साइज का टमाटर है। अब हम आंच को तेज कर देंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे हम। इस तरह से मसाला को हम 5 मिनट तक मशरूम के साथ भूनेंगे, जब तक से तेल ना छोड़ने लग जाए मसाला अच्छे से। हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाएंगे, बीच में हम चेक करते रहेंगे। दोस्तों मैं पहले डाली थी ना वो मीट मसाला, थोड़ा मैं डाली थी, गरम मसाला नहीं था, गलती से मैं गरम मसाला बोली थी। अभी मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला हम डालेंगे। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। नहीं भी डालिएगा तब भी यह बहुत ही टेस्टी लगेगा, लेकिन मीट मसाला ज़रूर डालिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मीट मसाला डालने से। आप भुनी हुई मशरूम खाना चाहते हैं दोस्तों तो इस तरह से अब ये खाने के लिए तैयार है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मशरूम बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मसाला भूनिएगा दोस्तों, तो तेल छूटने तक आप मसाला भूनिएगा। ये इस तरह से तेल अच्छा से छूट गया है, देखिए भुन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हम उतार लेते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों यह किस तरह से बना है। देखिए बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट है। दोस्तों मशरूम की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो देखना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।